प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभातखबर.com में। आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए कोरोना के खिलाफ जंग का महासंकल्प देशवासियों ने ले लिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों को उनका कर्तव्य याद दिलाया है। पीएम मोदी ने बीते दिनों अपने संबोधन में जिस रोशनी और समय की बात की थी, आज एक ट्वीट के माध्यम से दोबारा देशवासियों को उनका संकल्प याद दिलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, 9 बजे 9 मिनट, यानी कि संकल्प याद रहे, समय याद रहे, वक्त की सीमा याद रहे, कहीं आप चूक ना जाएं। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जलने वाला हर दिया हमारी राष्ट्रीय एकता, उत्साह और हौसले का प्रतीक बनेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में उस सामूहिकता को निभाने में जिसकी परिचायक रोशनी है। कोरोना वायरस ने जो महामारी का अंधेरा फैलाया है, जरूरत है रोशनी से उसे दूर करने की, बताने की कि हम डरपोक नहीं हैं और ना ही इस विपदा में हम डरे हैं। हम उत्सव मना रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग की, उत्सव सामूहिक एकता और ताकत की। इसलिए आज जब रात को वो घड़ी आएगी तो कोई अछूता ना रह जाए, पीएम मोदी ने ट्वीट कर याद दिला दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से ये भी कहा कि देशवासियों का एक एक दिया कोरोना के अंधकार पर प्रहार का एक नया विश्वास पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम जितना एकजुट होंगे, विजय के उतने ही करीब होंगे। दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच बीते दिनों तीसरी बार देश को संबोधित किया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे 5 अप्रैल की रात को 9 बजे अपने अपने घरों की लाइटें बंद कर दें और दरवाजे पर खड़े होकर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट्स जलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तो प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिससे पता चलेगा कि हम एक ही मकसद से एकजुट होकर साथ लड़ रहे हैं। इस उजाले के साथ हम संकल्प करेंगे कि कोई भी अकेला नहीं है। पीएम मोदी ने देशवासियों को अपनी अपील याद दिलाते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि देशवासियों की एकता और संकल्प शक्ति से कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देश के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्यारे देशवासियों, हम सब एकजुट होकर बहादुरी से कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। इस चुनौती से निपटने में हमें अपने प्रयास को कम नहीं होने देना है। हम सब उम्मीद के दीप जलाकर निराशा और शंकाओं को दूर करते रहें, मिलकर काम करने के लिए एकजुट होकर उम्मीद के ज्ञान का प्रकाश करें। तो आप भी पीएम मोदी की इस मुहिम में शामिल हों और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।